जो बात मैं कह ना सकूं। दोस्तों आज मैं कुछ इस तरीके की वीडियो बना के दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रकार की वीडियो को बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह और आपका डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज नीचे लगे रेड बटन दबाकर आपका चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए हम काइनमास्टर का यूज करते हैं। सिंपली हम काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखे जिसमें आपको ये जो प्लस आइकन दिख रहा है इसको दबा देना है और 9:16 का रेशियो ले लेना है। इसके बाद दोस्तों मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है जिसका लेंथ आप जितने समय का वीडियो बनाना चाहते हैं उतना समय का कर सकते हैं। तो मैं ये 15 से 16 सेकंड का कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हमें टेक्स्ट को इसमें ऐड करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लव यू लिखा था तो मैं वही लिख लेता हूँ। आपको सिंपली लव यू लिख लेना है, इसे सिंपली इस तरीके से लिखना है कैपिटल करके और एक के नीचे एक लिखना है, ऐसे इस तरीके से लिख लेना है, सभी कैपिटल में होगा, एक के नीचे एक ऐसे करके हमें लिख लेना है। लिखने के बाद सिंपली से ओके कर देना है तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसे सिंपली यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है, यहाँ पे हमें रख लेना है मीडियम में पूरा और इसे वीडियो के अनुसार बड़ा कर देना है खींच के। उसके बाद इसके फॉन्ट को बदल लेना है, दाहिनी तरफ डबल एक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, आप दूसरा कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से ये कर लेता हूँ, इसे सिंपली इस तरीके से रख लेना है और इसे मिडिल में इस प्रकार रख देना है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हमें कलर को ऐड करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस कलर वाले वीडियो को ऐड कर देना है। तो ये हमारा कलर वाला वीडियो, इसे सिंपली इस तरीके से घुमा लेना है, इस तरीके से घुमा लेना है, इसे बड़ा कर लेना है और यहाँ पे हमें पूरा इस तरीके से रख देना है और दाहिनी तरफ आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें बैकग्राउंड को ऐड करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस बैकग्राउंड वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा बैकग्राउंड वीडियो है कुछ इस तरीके से है, तो इसे सिंपली इस तरीके से घुमा लेना है और इसे इस तरीके से बड़ा कर लेना है, कुछ इस प्रकार हमें कर लेना है। और ये सामने का फालतू का पार्ट जो थोड़ा सा है, ब्लैक पार्ट है, इसे हम कट कर लेंगे यहाँ से रहेंगे और दाहिनी तरफ कैंची का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट अपलेट कर देंगे और इसे खींच के इधर सामने की तरफ कर देंगे और फिर से इस बैकग्राउंड वाले वीडियो पर क्लिक करना है और दाहिनी तरफ आपको जाना है, नीचे जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, कुछ इस प्रकार ये रहेगा। अब दोस्तों इसे सिंपली हमें एक्सपोर्ट कर लेना है, इसके लिए बाईं तरफ जो शेयर का बटन है इस पर क्लिक करना है और सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपली हमें इस तरीके से इसे बैक कर देना है, पूरा बैक जाना है और फिर से ये जो प्लस आइकन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और फिर से 9:16 का रेशियो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और एक ब्लैक बैकग्राउंड लेना है जिसका लेंथ आप जितना समय का वीडियो बनाना चाहते हैं उतने समय का कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पे लेके आना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस ग्रीन स्क्रीन को लेके आना है। तो ये हमारा वो ग्रीन स्क्रीन है, इसे सिंपली इस पर क्लिक करना है और कैची के बगल में जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना है और इसे फुल स्क्रीन कर लेना है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा ग्रीन स्क्रीन है, कुछ इस प्रकार ये है हमारा ग्रीन स्क्रीन, यहाँ तक है। तो इसे थोड़ा यहाँ तक रखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और कैची में जाएंगे और ट्रिम टू राइट अपलेट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा ग्रीन स्क्रीन है। इसके बाद दोस्तों हमें इसमें क्रोमा की कर देना है, इसके लिए इस पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ देखिए आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली एनेबल कर देना है और इसके कलर को ग्रीन कर देना है। ये हमारा ग्रीन कलर है तो हमें ग्रीन कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा और आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं इसे, इसके ब्लैक ग्रीन पार्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके बाद दोस्तों अब हमने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था सिंपली उसको लेके आना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा वो वीडियो है कुछ इस तरीके से है, इसे सिंपली बाईं तरफ जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है और इसे सेंड टू बैक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये पीछे चला जाएगा, इस पर क्लिक करना है और हमें स्क्रीन में पूरा फिट कर लेना है। ये हमारा ग्रीन स्क्रीन थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, इसके लिए इस पर जाएंगे और ये ग्रीन क्रोमा की में जाएंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे, हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से है, अब हमें इसे एडजस्ट कर लेना है स्क्रीन में, इसे यहाँ पे हमें रखना है और इसे इस तरीके से हमें
कुछ रख देना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। सिंपली मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। इसके साउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके की वीडियो को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसे सेव और शेयर करने के लिए बाई तरफ जो शेयर का बटन है, इस पर क्लिक करना है और अपने फाइल के साइज को चुनकर सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों, आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार की वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।